बाकी कंपनी से क्या क्या मिल जाता है आप लोगों को दिखा देते हैं फ्रंट में। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो फिलहाल हमारे सामने जो आज गाड़ी है ना वो है 4825C, ठीक है, वो भी टाटा का 16 चक्का गाड़ी है। पंजाब का भाई का नंबर है, भाई सेब भर के आए हुए हैं। कहाँ पे? बहुत दूर, बहुत दूर मतलब पता है कहाँ पे आए हैं? देवघर। तो देख सकते हैं ट्रक का भाई डिजाइन, मतलब सामने से जो इंटीरियर है ना भाई साहब गजब का बना के रखे हैं। मतलब उधर का जितना भी गाड़ियां होता है ना तो वो इसी तरीके से कुछ सजा के रखते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बता दें आ जाते हैं, ये देखिए सामने आपको मिल जाता है BS6 का बैजिंग, मतलब एक बड़ा सा, देखने में अच्छा भी लग रहा है भाई। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है पंजाबी में, तो किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ भाई कमेंट करके बता दीजिएगा। ये तो भाई पंजाबी का शान है, एक तरह से कह सकते हैं मोच, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बाकी भाई ने इधर सामने भी लगवा के रखा हुआ है ये सब, ठीक है, इसको खोल भी सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये किस काम के लिए लगवाया लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो ये तो कंपनी फिटेड होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी एक मस्त कंपनी से दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है और साइड में भी भाई ने स्टील का लगवाया हुआ, देख सकते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो भाई, और ये काफ़ी मजबूत है, ये अच्छा लग रहा है भाई, शो में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी कंपनी से क्या क्या मिल जाता है आप लोगों को दिखा देते हैं फ्रंट में। तो कंपनी से मिल जाता है एक ये बम्पर, और ये देखिए ये एंगल अलग से लगाया गया है, ये जो अंदर का एंगल देख रहे हैं ना आप, ये अलग से लगाया गया है। और इसमें भाई ने सबसे अच्छा काम किया रेडियम लगा के, ताकि सामने से कोई गाड़ी अगर डीपर मारे, लाइट मारे ना, तो ये चीज़ उसको दिख जाए, ठीक है। बाकी ये भी अलग से लगाया गया है, ये सब मॉडिफाई करवाया गया है, इसको भी अलग से लगवाया जाता है, ये सब मॉडिफाई करवाया जाता है। हालांकि कंपनी की तरफ से आपको ये भी मिल जाता है, ये लाइट मिल जाता है, और ये सब जो बम्पर देख रहे हैं आप लोग ये अलग से आपको लगवाना पड़ता है। तो इस साइड भी सेम कुछ उसी तरीके का है। बाकी सामने से देख सकते हैं भाई ट्रक कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो 16 चक्का गाड़ी है, इसमें आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना इसमें मिल जाता है। ये देखो भाई, ये एक बहुत बड़ा आपको मिल जाएगा सेलेंसर का सिस्टम, ठीक है। इसमें बैटरी अगर अभी अंदर ही है तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे के साइड में, देखते हैं आप लोग क्या क्या इसमें कंपनी की तरफ से मिला है। ये देखो भाई, हाँ तो सेव खाली हो रहा है, ठीक है। चाचा बोल रहे हैं कि एक नंबर क्वालिटी है, तो सेव देख सकते हैं खाली हो रहा है भाई। पंजाब से बोल रहे हैं कि पलटी करके लेके आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है भाई। इतना दूर से भाई, इतना दूर का मंडी कराना हालत ख़राब हो जाता है। तो ये अभी गिरा हुआ है ना पीछे का ढाला, इसी वजह से पीछे का जो है दिखा नहीं पाएंगे। हालांकि इसमें 4 दिया हुआ सेंसर, ठीक है, सेंसर इसमें 4 मिला होगा। बाकी इस साइड में आया तो ये सब देखिए अलग से लगाया जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ है ना, ये जो लगाया है ना भाई, ये हर गाड़ी में इसमें लगवाना चाहिए, नीचे का जो बम्पर होता है पीछे का, छोटी गाड़ी अंदर घुस जाता है कभी कभी, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो इसमें आ जाते हैं भाई कमानी पट्टा, अगर देख सकते हैं जबरदस्त भाई, एकदम हैवी वाला है। और BS6 का जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत। ओ भाई ये देखो, इसका सॉकर देख रहे हो भाई कौन सा लगा हुआ है। सॉकर भी भाई जबरदस्त है, क्योंकि पहले का सॉकर अलग आता था, अब जो न्यू गाड़ी आ रहा है ना उसका सॉकर देखो, हाइड्रोलिक इसको बोलते हैं शायद, हाइड्रोलिक इसका नाम यार बार बार भूल जाते हैं। अगर किसी को पता हो तो यार कमेंट करके बता देना ये कौन सा सॉकर है। देखो तो फ्रंट में भाई 920 का टायर मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं भाई। और इधर भाई हमें लग रहा है ना इसका डीजल टैंक 400 लीटर का होगा, कम से कम 400 लीटर के ऊपर ही होगा। और ये देखो इतना बड़ा भाई यहाँ पे सेंसर लगा के रखा गया है, बहुत बड़ा है ये, देखो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। और ये भाई कम से कम 40 लीटर का, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं होता यार, बस लिखा है इसमें क्लोज और ओपन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बाकी 40 लीटर से कम का तो नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और ये यूरिया का है, ठीक है। तो भाई ने इसमें भी देख सकते हैं बम्पर अगर लगवा के रखा हुआ है, ताकि कभी अगर कोई गाड़ी भीड़े, देखो इसमें भीड़ भी गई, एक्सीडेंट भी हुआ है भाई, बहुत हैवी लड़ा होगा तभी ये चीज़ अंदर बैन हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी मजबूत बना के रखा है भाई ने, ताकि कुछ भी अगर हीट हो तो डीजल टैंक अगर फटे ना, ठीक है, फट जाएगा तो भाई डीजल आप जाने इतना महंगा है, नुकसान हो जाएगा ना। तो ये चेक करें, 1 2 3 लाइट इधर लगा के रखे हैं भाई ने, और 3 लाइट पीछे भी है, चलो आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई 3 लाइट पीछे भी है। अब जब ये लाइट रात को जलता है ना भाई, इतना मस्त लगता है ना। और ये 16 चक्का है, गाड़ी का लंबाई ना काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा। भाई चले गए चाय पीने के लिए, हमें बोल रहे थे भाई चलो आपको भी चाय पिलाते हैं, नहीं तो आपको अंदर का इंटीरियर पूरा अच्छे से दिखाते कि पंजाब साइड की गाड़ी किस तरीके से सजाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। अगर भाई आ रहे हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ा वेट करिए आप लोगों। तो साइड में देख सकते हैं भाई यहाँ पे लगा हुआ है सीढ़ी चढ़ने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और उसके ऊपर भी भाई बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें भाई ने बनवा के रखा हुआ है, मतलब डेकोरेशन में कुछ भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये सब भी भाई लगा हुआ है, 1 2 इधर भाई शीशा, ये जो कंपनी फिटेड है
यहाँ चढ़ने के लगा हुआ है, ये शीशा, ये देखो फोन से शूट हो रहा है। तो ये देखो भाई, ये कंपनी का है कि यार बाहर से लगवाया गया है, अगर किसी को जानकारी हो तो कमेंट जरूर कर देना भाई, ठीक है। तो चलो ये सब देखो भाई, बाहर का होता है, ये भी अलग से लगवाना पड़ता है, कंपनी से नहीं मिलता, कंपनी से ये मिलता है। ये भी मिलता होगा लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि मिला होगा। हाँ यार मिलता तो है लेकिन इसको अलग से लगवाया गया, ये देखो कंपनी फिटेड ये वाला है, क्योंकि ये जो डिजाइन है ना ये कंपनी बना सकता है, बाहर नहीं बन पाएगा आपका। तो हालांकि गाड़ी भाई मस्त भाई, एकदम झक्कास सुपर्ब लग रहा है देखो, और मौसम तो आप लोग देख ही रहे हो भाई। चलो फिलहाल हम निकलते, अपनी गाड़ी उधर खड़ा है, वो अपनी पिकअप है, मौसम देख रहे हो भाई जबरदस्त है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।